अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी आ चुके हैं सबका वेलकम है निवान मैथ एकेडमी में। आज का जो हमारे पास टॉपिक है बेटा, वो है आइसेंट्रोपिक गैस फ्लो। काफी बच्चों ने ये यूट्यूब पे बोला भी था कि मैम इसको करा दो, और एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज जो तीनों टॉपिक मैं कराने जा रही हूँ, तीनों के तीनों टॉपिक जो है मेरे जो है एग्जाम में मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ऑलरेडी मैं एक टॉपिक पहले करा चुकी हूँ जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। मोनिका, कोमल, फिजा, नीतू, एनीवन रिप्लाई यस मी? मैम। ओके बेटा, अब देखो स्टार्ट करते हैं। आइसेंट्रोपिक गैस फ्लो से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कंसेप्ट यूज होने वाला है वो आइसेंट्रोपिक से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। जो भी यहाँ पे मतलब कुछ भी यूज होने वाला है तो वो आइसेंट्रोपिक से ही रिलेटेड होगा, ओके। अब देखो, वी हैव ऑब्टेन डेट बर्नौली इक्वेशन फॉर आइसेंट्रोपिक गैस फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। अब ये जो बर्नौली इक्वेशन वाली जो टर्म आई है, ये हमने जो थर्ड सेमेस्टर था उसमें फ्लू डायनेमिक्स था, तो वहाँ पे हमने इसको पूरा ड्राइव किया हुआ है। तो वहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती है, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, जो आइसेंट्रोपिक की बात आ रही है तो हम उससे रिलेटेड टर्म्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास पी होता है वो इक्वल टू होता है के रो की पावर गामा, जहाँ पी प्रेशर होता है, ये मेरे पास कोई कांस्टेंट होता है, और जो ये रो होता है ये डेंसिटी को, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखोगे जो बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डीपी ये वाला मतलब प्रेशर का डेरिवेटिव उस तरीके से है, तो आप देखो यहाँ पे शो हो रहा है बेटा सबको, यस मैम। ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे अब मुझे इस टर्म की नीड है, तो इसका मैं डेरिवेटिव कर दूँ किसके रेस्पेक्ट में करूँगी, रो के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब रो के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा। अब जो भी हम देखो छोटी क्लासेस से सीखते आए हैं, एक्स की पावर एन का डी अपॉन डी ए, इसका मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करती हूँ तो क्या होता है, एन आगे और इसकी पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, गामा आगे यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इसमें से एक माइनस कर दिया, ओके। अब मुझे तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गई। अब इस टर्म की जगह मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी कंप्लीट, ठीक है। ओके बेटा, तो क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, इतना होने के बाद आगे देखते हैं, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और सब चीजें सेम है। ये वाला मेरे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में हमारे पास सिर्फ दिस एंड ये पूरा पोर्शन बचेगा। अब ये अपॉन में है यहाँ पे रो, तो इसकी पावर जब मैं ऊपर इसको लेके जाऊंगी, देखो यहाँ पे है रो की पावर गामा माइनस वन, और ये रो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। अब सेम बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो रो की पावर गामा माइनस टू, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इतना क्लियर हो गया? बेटा कोई भी बच्चा, एक बच्चा रिप्लाई करते रहो कि जिससे मुझे ये चीजें पता होती रहे कि आपको कि चीजें क्लियर हो रही है। चैट पे आ रहा है कुछ? चलो फाइन, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, इतना करने के बाद हमने ये चीज लिख दिया। अब ये है हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये सब चीजें वही चल रही है जो हमने बचपन में की हुई है, डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अब जब यहाँ पे हम किसी की भी इंटीग्रेशन करते हैं तो
तो देखो x की पावर n का इस तरीके से मैं कर रही हूँ इसका इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड कर देते हैं और जो ये होता है यही हम नीचे, इतना हो गया क्लियर। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो गामा की पावर जो ये है इसमें 1 ऐड किया और जो ये है पूरा का पूरा ये नीचे लिख दिया। देखो ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, -2 है +1 है तो -1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके मैंने लिख दिया। तो जो यहाँ है वो यहीं पे लिखा, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेम वही प्रोसेस चल रही है अब तक। अब ये आ गया मेरे पास, इनको एक साथ ले लिया, गामा की पावर सॉरी रो की पावर जो हो गया यहाँ पे गामा -1 सॉल्व करके लिख लिया, इतना क्लियर हुआ। आगे देखो ये चीजें एज इट इज है, गामा -1 मोनी कुछ कहना चाहते हो बेटा? नो मैम, वो गलती से हो गया। अब कुछ बच्चे अब ऐड हुए हैं, चलो पहले अभी पूरा कर लेते हैं फिर उनको ओवरव्यू दे देंगे इसका थोड़ा सा, ठीक है बेटा? इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या किया, गामा मैम। गामा अपॉन गामा -1 ये वाले टर्म एक साथ ले ली, के और ये वाला पोर्शन जो इसको लिखा, इसको किस तरीके से लिखा है, देखो रो की पावर गामा -1 है तो मैंने क्या किया, रो की पावर गामा और रो की पावर -1 इसको इस तरीके से अलग अलग लिख लिया, यही तो होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है रो की पावर गामा ये तो यहीं पे है, जब ये नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा रो, तो वही चीज मैंने ये करके लिखा है, ठीक है। छोटी क्लासेस का ही चल रहा है, वही जो हम बचपन में करते आए हैं। अब देखो ये पूरा पोर्शन एज इट इज, अब मैंने इसको क्या लिखा, ये कहाँ से आ गया बेटा, ये हमारे पास अभी जो हमने यूज किया था दिस, ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये वाली ये बन के आ गई यहाँ पे देखो, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ, तो वही चीज मैंने यहाँ पे इसकी जगह पी पुट कर दिया। पी पुट करने के बाद मेरे पास आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो ये चीज एज इट इज है, अब मेरे पास ये वाला गामा ओ सॉरी यहाँ पे गामा पी अपॉन रो ये होता है मेरे पास ए स्केयर की वैल्यू, और ये कहाँ पे है, ये आपके आर्टिकल में भी ऑलरेडी गिवन है, ए स्केयर इक्वल टू गामा पी अपॉन रो, ठीक है बेटा। ये चीज इसकी जगह इन्होंने ए स्केयर लिख दिया, तो ए स्केयर अपॉन गामा स्केयर -1। तो ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी, जो बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे बोला हुआ था कि आइसेंट्रोपिक, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे, अब देखो ये वाली जो इक्वेशन थी बर्नौली इक्वेशन हमारे पास ये होती है, तो जो आइसेंट्रोपिक गैस मतलब जो आइसेंट्रोपिक के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उनको अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करके लाए, तो ये हमारे पास निकल के आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मिस्टेक दी हुई है कि इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके क्लियर बेटा इतना? यस मैम। प्रद्युम जो है बेटा उनको क्लियर है, जो अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है जस्ट, यस मैम। ओके चलो देखो आगे करते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मेरे पास दिस, इसमें जो ये एलएचएस है, अब इसके बारे में बोल रहे हैं कि जो ये एलएचएस है अगर ये शो डेट द, पहले इसको पूरे को पढ़ देती हूँ फिर इसका मीनिंग बता देते हैं, जो चीज है इसका मीनिंग, शो डेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू डिनोटेड बाय क्यू मैक्सिमम अकर्स व्हेन एवर ए इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ तक का समझो, जो ये मेरे पास एलएचएस है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इसमें क्यू की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास, उसको डिनोट करते हैं क्यू मैक्सिमम से, और ये कब किस तरीके से आती है, जब हम ए की वैल्यू इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, ठीक है इतना क्लियर। तो यहां से आपको एक चीज निकल गई कि 1/2 इसकी क्यू मैक्सिमम अगर मैं निकालूं तो क्यू की जगह आ जाएगा ये, ठीक है स्केयर, और ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जीरो, ठीक है। तो ये टर्म तो जीरो ही बन जाएगी, मेरे पास सिर्फ ये टर्म आएगी जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, यहां तक क्लियर, ठीक
ठीक है, फर्स्ट लाइन का मीनिंग। अब आ गया देखो, सच एज सच केस करस्पोंडेंस टू गैस, गैस इज एक्सपेंडिंग टू जीरो प्रेशर एंड इज एंटायरली थ्योरेटिकल, कैन नॉट बी ऑब्टेन इन प्रैक्टिस। अब देखो जो ये केस है ये हमारे पास कब होता है, जब जीरो प्रेशर में जब गैस फैलती है ना, गैस फैलने वाला जो केस होता है ये उस टाइम का केस है, पर ये जो होता है ये थियोरेटिकल होता है, इसको हम प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस में आता है उसको हम नहीं कर सकते। कैन नॉट बी ऑब्टेन इन प्रैक्टिस मतलब जो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, जैसे आप फिजिक्स में कोई प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हो तो आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, बट ये जो है सिर्फ थियोरेटिकल है, इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है सिर्फ, और ये वाली जो लाइन है आप एग्जाम में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, दोनों ऑप्शन है, अगर टाइम है तो लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ तक का केस समझ आ गया, इसका मीनिंग था ये। अब देखो आगे जो बात की गई है वो क्रिटिकल से रिलेटेड की गई है और स्टैग्नेशन से रिलेटेड की गई है। अब यहाँ पे देखो, आल्सो वी इंट्रोड्यूस द क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड को डिनोट किया गया है बेटा इससे, ठीक है, और जो हमारे पास स्टैग्नेशन स्पीड ऑफ साउंड है उसको डिनोट किया गया है इससे, दोनों चीजों पर ध्यान देना, ठीक है। अब जो क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड है वो कब आती है हमारे पास, जब हमारे पास Q इक्वल टू A होता है, और स्टैग्नेशन स्पीड ऑफ साउंड कब होता है, जब Q इक्वल टू जीरो होता है। और इसका Q इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, मतलब वेलोसिटी जीरो है, मतलब जो मेरे पास फ्लूड है वो रेस्ट पे है, उसमें वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट पर है, वो चीज़ें इसमें लिखी गई है, ठीक है। अब ये तीन इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, जिसको इक्वेशन नंबर टू बोला हुआ, तीन टर्म्स आएंगी। अब ये कैसे आई है वो चीज हम बताने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इस पूरे पैराग्राफ का जो मेन वो है, इस मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, पहला मीनिंग है कि ए इक्वल टू जीरो पे हमें क्यू मैक्सिमम आएगा, दूसरा हमारे पास क्रिटिकल स्पीड से रिलेटेड है, तीसरा हमारे पास स्टैग्नेशन से रिलेटेड है। अगर Q इक्वल टू एक होगा तो क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड ये होगी, Q इक्वल टू जीरो होगा तो स्टैग्नेशन स्पीड ऑफ साउंड ये होगी। सिर्फ थ्री टर्म्स यहाँ पे आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, ये आपका अलग से है, आपको लिखना है तो लिखो, ओके। अब देखो जो पहली वाली थी मैक्सिमम के लिए, वो तो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कैसे आई, ठीक है। अब जो Q इक्वल टू A है इसके लिए हम बता देते हैं ये कैसे होगा। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 1/2, इस Q की जगह A पुट कर दो, तो मैंने A स्केयर लिख दिया, यहाँ पे A स्केयर ऑलरेडी है गामा माइनस वन, ठीक है, ये टर्म है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, A स्केयर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/ गामा माइनस वन, यहाँ पे A स्केयर। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा गामा माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा टू, तो यहाँ पे ए स्केयर, यहाँ पे गामा प्लस वन अपॉन टू गामा माइनस वन। अब इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने अरेंज करके लिखा हुआ है, देखो ए सॉरी यहाँ पे जो एक मिनट, जब हम ये वाला रखेंगे क्रिटिकल वाले में, क्रिटिकल वाले उसमें रखेंगे क्यू इक्वल टू ए, तो वहाँ पे हमारे पास ए की जगह हो जाएगा ए स्टार, मतलब इस तरीके से उसको डिनोट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये टर्म आएगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है गामा प्लस वन सॉल्व करके, ठीक है, ये समझ आ गया। अब आगे देखो, अब आता है हमारे पास स्टैग्नेशन के लिए, स्टैग्नेशन में क्या करना, क्यू की वैल्यू जीरो पुट कर देनी है। जब जीरो पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो पुट करनी है, यहाँ पे जब ये चीज़ रखेंगे तो एक ही जगह हो जाएगा ए नॉन, ठीक है, गामा माइनस वन, ये जीरो बना तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, तो ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। तो तीन टर्म्स ली गई, मैक्सिमम के लिए, क्रिटिकल के लिए और स्टैग्नेशन के लिए, तीनों को अप्लाई करके यहाँ पे ये चीज़ आगे मेरे पास। अब यहाँ पे देखो जो चीज़ मैं समझाने वाली हूँ, अब जो यहाँ पे इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो जब हमने एक बार मैक्सिमम के लिए किया तो इसकी वैल्यू निकल के आई ये, तो हम इसको
इक्वल टू रखेंगे इस मैक्सिमम वाली वैल्यू के, क्यों? क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट की जगह लिखना है, ठीक है बेटा? ये एज इट इज है, कांस्टेंट की जगह यहाँ पे इसको लिखना है। सेकंड जो है हमारे पास क्रिटिकल से रिलेटेड है, तो जब क्रिटिकल की कंडीशन अप्लाई की तो मेरे पास ये निकल के आया, तो उसमें हमें कांस्टेंट की जगह ये लिखना है। थर्ड जो आएगा हमारे पास वो स्टैग्नेशन से रिलेटेड है, तो ये इक्वल टू आएगा जो ये वाली कंडीशन अप्लाई करने के बाद आया है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन अप्लाई करके जो वैल्यू आती है कांस्टेंट की जगह, एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, तो यहाँ पे ये इक्वेशन किस तरीके से आई, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इक्वेशन टू जो है वो हमें गिव्स देती है थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कांस्टेंट ऑन आरएचएस ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारे पास यहाँ पे आरएचएस थी, इसकी जगह ये थ्री फॉर्म्स देती है, ठीक है? क्लियर हो गया? यस मैम। ओके बेटा, अब आगे देखो। अब हमारे पास ये वाला मैंने आपको कराया था, जो साउंड ऑफ स्पीड गैस वाला जो टॉपिक है, यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वहां पे हमने ये पूरा निकाला हुआ था, वही चीज यहाँ पे यूज की हुई है। सिंस ए स्केयर इक्वल टू गामा पी अपॉन रो, ठीक है बेटा? तो हमारे पास वहां से ये चीज निकल के आई थी, तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज करनी है। अब जो मेरे पास इक्वेशन टू है ये वाली, तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे अप्लाई करना है। अब ये क्यू मैक्सिमम वाले में तो ए की कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पे तो अप्लाई होगी नहीं। यहाँ पर है और यहाँ पर, ये ए दिख रहा है, यहाँ पे भी ए दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये पूरा का पूरा देखो, ये एज इट इज ए स्केयर की जगह रख दिया मैंने ये गामा पी अपॉन रो, गामा पी, देखो गामा पी अपॉन रो, और ऑलरेडी ये चीज थी यहाँ पे, ये ऐसी, ठीक है? इक्वल टू, अब देखो इसमें था नहीं तो इसको अलग हटा दिया हमने, यहाँ से ये पोर्शन एज इट इज है इसकी जगह। अब क्या किया, यहाँ पे ए था, अगर मुझे चाहिए दिस क्रिटिकल के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा, इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा, पी पर भी और रो पर भी, ठीक है? वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इसकी वैल्यू। तो ये वाली देखो, यहाँ से ये पूरा पोर्शन तो एज इट इज है, गामा पी के ये स्टार लगा दिया और रो, इस तरीके से ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इसकी जगह। सिमिलरली सेम केस करेंगे हम, अब चाहिए हमें स्टैग्नेशन वाला, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी नोट और रो नोट, तो ये चीज एज इट इज है, गामा माइनस वन और ये आ गया और अपॉन में रो नोट, ठीक है? तो किस तरीके से वैल्यू पुट की वो देख लो। हमारे पास सिर्फ एक था, बस हमने क्या किया, क्रिटिकल के लिए बना दिया, ये तो सिंपल था, क्रिटिकल के लिए बना दिया, फिर हमने स्टैग्नेशन वाली चीज के लिए बना दिया। और फिर यहाँ पे जो चीजें हमने मेंशन की, जैसे मैंने अभी बताया दिस पी स्टार रो स्टार, तो इसको हमने बता दिया दिस इज ए क्रिटिकल प्रेशर, दिस इज ए क्रिटिकल डेंसिटी फॉर लोकल सोनिक फ्लो विद क्यू इक्वल टू ए। अब ये क्यू इक्वल टू ए क्यों आया, जब मैंने आपको कराया हुआ है सोनिक, सबसोनिक, सुपर सोनिक, तो हमारे पास क्यू इक्वल टू जब ए होता है तो वो केस होता है हमारे पास सोनिक फ्लो के लिए, तो वही चीज यहाँ पे यूज की हुई है, ठीक है? और जो मेरे पास है ये पी नोड स्टैग्नेशन प्रेशर है, रो नोड स्टैग्नेशन डेंसिटी है फॉर लोकल कंडीशन, जब हमारे पास क्या है फ्लूड जो है रेस्ट पर है। तो जो चीजें हमने अभी यूज की ये तो हमें पता था ऑलरेडी, जो हमने यहाँ पे क्रिटिकल के लिए और स्टैग्नेशन के लिए यूज की उनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि हमने ये चीजें की है यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ तक तो काम हो जाता है। हाँ बेटा एक चीज और मैं बताऊंगी, क्योंकि जूम पर जो है आधे घंटे की ही क्लास चलती है, जैसे ही अगर क्लास खत्म होती है तो दूसरी आईडी से ज्वाइन कर लेना, वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब देखो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री थी हमारे पास। अब क्या करना है, हमने परफेक्ट गैस का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है? अब परफेक्ट गैस का किस तरीके से यूज करना है वो चीज देखना। हो गया आउट?
अब मुझे भी रिजाइन करना पड़ेगा। टेन मिनट्स में होगी है ना? देखो बेटा, अब परफेक्ट गेस का यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को देखो, हम करेंगे इस टर्म पे टारगेट, गामा पी अपॉन रो गामा माइनस वन, इस टर्म पे हमारे पास टारगेट रहेगा। ये सारा रफ कर दो। अब यहाँ पे ये जो टर्म आ गई, अब देखो इसमें क्या होता है, मेरे पास जो हम परफेक्ट सॉरी ये वाला परफेक्ट गैस के लिए बात करते हैं, तो हमारे पास पी इक्वल टू होता है आर रो टी। तो इस पी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, आर रो टी, और सब वैल्यू एज इट इज, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गामा टी अपॉन गामा माइनस के वन, सॉरी आर बी है यहाँ पे, ये आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, गामा आर टी अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, जो आर गामा अपॉन गामा माइनस वन है, इसको इन्होंने बोल दिया दिस, ये वैल्यू होती है। हमने जो छोटी इलेवेंथ ट्वेल्थ में हमने फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो वहां पे जो परफेक्ट गैस होता है, ये सब चीजें वहां पे यूज हुई है, ये रिजल्ट है, ठीक है बेटा। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखना, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब देखो गामा इतने वाले पोर्शन की जगह सीपी रख दिया और टी। अब बेटा जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट लेते रहे अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया यहाँ तक ये सारा, ठीक है बेटा। ये हमने टर्म उठाई, इस टर्म की पी की जगह हमने परफेक्ट गैस में हम यूज करते हैं पी की, ये इसके इक्वल होता है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, हमारे पास ये टर्म निकल के आ गई। फिर हमने इस टर्म को दे दिया सीपी का नाम, तो वो यहाँ पे हमने रख दिया। अब ये मेरे पास क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होती है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। यहाँ तक का सारा कंसेप्ट क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम, ओके। आगे देखो, यस बर्नौली इक्वेशन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन कैन बी रिटन एन। अब जो मेरे पास यहाँ पे मैंने अभी बर्नौली इक्वेशन ये वाले पोर्शन लिखा था ना, अब इसको ही थोड़ा सा सेट किया गया, किस तरीके से वो देखते हैं आगे। इसमें से नेक्स्ट में सिंगल आ गए, एक मिनट, हो गया हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये सॉल्व की गई है हमारे पास, यहाँ पे इसका यूज किया गया। अब देखो कैसे, ये वाला पोर्शन 1/2 ये एज इट इज है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाली चीज कैसे आई और ये कैसे आई, वो चीज बता रही हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरे पास ये टर्म एज इट इज है। अब यहाँ पे देखो गामा पी अपॉन इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली दिस, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो अभी इस केस को नहीं लिया, अब इन्होंने लिया इस वाले केस को, ठीक है, जो स्टैग्नेशन वाला पॉइंट है उसको लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जगह देखो, अभी तो मेरे पास गामा पी अपॉन रो गामा माइनस वन इक्वल टू था सी पी टी, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, यहाँ पे इसकी जगह गामा पी नॉट अपॉन रो नॉट गामा माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पे सी पी तो एज इट इज रहेगा, टी की जगह हो जाएगा टी नॉट, ठीक है। ये एक सिंपल सी चीज है, क्रिटिकल के लिए स्टार लग जाता है, और जो हमारे पास क्या नाम है, स्टेग्नेशन के लिए यहाँ पे डॉट लग, ये लग जाता है जीरो, ठीक है, नीचे। तो ये आ गया सी पी टी नॉट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से इसकी पूरे की वैल्यू निकल के आ गई, ये तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 5। क्लियर है बेटा किस तरीके से आई निकल के? अब यस मैम, आगे देखो बेटा, अब यहाँ पे यस बता रहे, मैम, हाँ टी जो है मेरे पास लोकल टेम्परेचर है जो कि केल्विन में है, और टी नोट देखो, जो जो चीजें हम नई यूज कर रहे हैं उनको हमें बताना होता है कि ये क्या हमने यूज किया है।
तो जो टी नोड है यहाँ पे हमारे पास वो है स्टैग्नेशन टेम्परेचर एट ए पॉइंट ऑन द सेम स्ट्रीम लाइन वेयर एज क्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू इक्वल टू जीरो पर ही ये चीजें आ रही है। आप सिंपल इतना भी लिख दोगे ना कि टी नोड इज द स्टैग्नेशन टेम्परेचर, ठीक है, इतना भी वो क्लियर हो जाएगा। ओके अब आगे देखो, अब मेरे पास दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 को इन्होंने क्या किया, सीपीटी से डिवाइड कर दिया। अब जब मैं डिवाइड करूंगी देखो यहाँ पे 1/2 दिस प्लस के सीपीटी अपॉन सीपीटी नॉट, तो इसको मैंने डिवाइड किया, सभी को डिवाइड करना होगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल, ये पूरा का पूरा कैंसिल होके 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा देखो टी नॉट अपॉन टी ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी इक्वल टू में 1, यहाँ से आया निकल के 1, और ये मेरे पास आया 1/2। अब यहाँ पे देखो लिख लेते हैं टी अपॉन टी नॉट, और यहाँ से आ गया 1/2 ये, और सी पी टी इतना आ गया मेरे पास अभी इतना, ठीक है, इसको यहाँ पे रफ करते हैं। अब क्या किया, जो मेरे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या थी, सी पी टी की वैल्यू क्या थी एक बार देख लेते हैं बेटा, ये वाली वैल्यू थी मेरे पास गामा पी अपॉन रो गामा माइनस वन, गामा पी अपॉन रो गामा माइनस वन, तो वो वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करनी है। जब मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगी तो 1 + 1/2, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा मेरे पास, और इसकी जगह मैं लिखूंगी यहाँ पे गामा पी, और जो अपॉन वाला है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रो गामा माइनस वन, यही तो होता है, ठीक है, तो ये चीज मेरे पास आ गई यहाँ पे, तो वही यहाँ पे लिखी हुई है 1/2 ये साथ में है रो गामा माइनस वन अपॉन गामा पी। तो यहाँ तक की फॉर्म आपको आई होप ये चीज समझ आ गई होगी कैसे आया, सिर्फ सॉल्यूशन है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, इतना क्लियर, ये चीज आ गया 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, गामा माइनस वन तो एज इट इज है, हो गया, 2 मिनट्स आर लेफ्ट रहते हैं बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे गामा माइनस वन, अब ये जो मेरे पास टर्म है इसको कैसे किया गया, क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, अब ये कैसे आई देखो, जो मेरे पास मैक नंबर है, पहले मैक नंबर ही बता देते हैं, मैक नंबर है मेरे पास क्यू अपॉन ए, ठीक है, इसका स्क्वेयर कर दो क्यू स्क्वेयर अपॉन, हाँ वो तो अपने आप लेफ्ट हो जाएंगे, ओके ओके क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्यू स्क्वेयर जो है मेरे पास ये ऑलरेडी है, ए स्क्वेयर क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था, ए स्क्वेयर मेरे पास जो होता है शुरू में ही बताया था गामा पी अपॉन रो, गामा पी अपॉन रो, ठीक है, तो ये रो ऊपर चला जाएगा मेरे पास क्यू स्क्वेयर रो अपॉन गामा पी। तो अब देखो ये वाली क्यू स्क्वेयर रो ये वाले टर्म आ गई यहाँ पे एक साथ अपॉन गामा पी, तो इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ एम स्क्वेयर, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पूरी टर्म यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है कि कैसे आया, इतना क्लियर हो गया बेटा सभी को, यस मैम। और एम क्या होते हैं हमारे पास मैक नंबर होते हैं, बेटा सभी को स्क्रीन शो हो रही है, यस मैम, यस मैम, का सभी को समझ आ गया है जितना मैंने कराया है, यस मैम, ओके, किसी को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना स्क्रीन शो होने में या किसी भी चीज में दिक्कत हो, नो मैम, और किसी को बाय चांस छोटा दिख रहा है तो वो जूम करके देख सकता है, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म को कर लेना, इस तरीके से ऐसे मत यूज करना, इस तरीके से करोगे तो वो ज्यादा बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी आपको, ओके सब बच्चे आ चुके हैं जो ऑलरेडी पहले थे, केशव कौन है, केशव आया है या नहीं,
देखो बेटा यहां तक समझ आ गया, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ है फोर आइसेंट्रोपिक फ्लो, वी हैव द रिलेशन दिस, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब देखो जो हमने वही चीज मैं बोल रही हूँ कि 11th 12th में हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, तो वहां से हमारे पास एक रिलेशन होता है ये प्रेशर में, डेंसिटी में, देन टेम्परेचर में। तो ये वहां से मैंने वो ही रिलेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जिसको यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे जो सबसे पहले ये देख लेते हैं इस टर्म को यूज करने के लिए, जो हमारे पास रिजल्ट है इसको यूज करने से पहले, ये जो चीज यहाँ पे आई है निकल के, ये कैसे आई है। अब देखो मेरे पास जो ए स्क्वेयर होता है वो क्या होता है, मेरे पास गामा पी अपॉन सॉरी गामा पी अपॉन रो ये होता है, ठीक है, और ए नोड स्क्वेयर मेरे पास हो जाएगा गामा पी नोड अपॉन रो नोड, ठीक है। तो यहाँ पे ए नोड स्केयर अपॉन ए स्केयर क्या हुआ है, तो इसका मतलब दिस अपॉन या सॉरी दिस अपॉन दिस। अब इसको कर देते हैं एक बार, यहाँ पे ए नोड का स्केयर अपॉन ए स्केयर, ए नोड स्केयर की वैल्यू मेरे पास है गामा पी नोड अपॉन रो नोड, और ये वाला मैंने लगा दिया जो ये वाला है, और यहाँ पे गामा पी अपॉन रो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे टी नोड अपॉन टी कैसे बना दिया, मेन चीज आती है ये, ठीक है। अब इसको किस तरीके से बनाया वो चीज देखो बेटा, हमारे पास जो था एक मिनट यहाँ पे था, इससे पीछे था, यहाँ पे जो ये यूज किया गया था इसको देखना, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे गामा पी अपॉन रो तो मेरे पास है, अगर मैं इसमें गामा माइनस वन दोनों साइड लगा दूं, मैंने यहाँ पे करना है काम इसमें गामा माइनस वन और यहाँ पे गामा माइनस वन, ये चीज लगा दी। अगर आप देखोगे तो गामा पी अपॉन रो गामा माइनस वन क्या होगा, सी पी टी, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी निकल के, नीचे वाली टर्म्स की वैल्यू आएगी गामा पी अपॉन रो गामा माइनस वन सी पी टी। और यही चीज मैंने बताई थी कि जब यहाँ पे नॉट लग जाए तो ये हो जाता है स्टैग्नेशन के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा सी पी टी नॉट, इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास इसकी पूरे की वैल्यू ही जो थी ये निकल के आ गई टी नॉट अपॉन टी। तो यहाँ तक आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये टर्म निकल के यहाँ पे आई है। ओके, यस अब आगे देखो ये टर्म आगे निकल के, अब मेरे पास टी नोड अपॉन टी मतलब जो टेम्परेचर वाली चीजें हैं, जो ये वाला रिजल्ट है अब यहाँ पे ये अप्लाई होने वाला है, ठीक है। देखो मैंने मेरे पास जो जनरली रिजल्ट होता है वो होता है ये आइसेंट्रोपिक फ्लो के लिए होता है, ठीक है, ये वाला, तो हमें यहाँ पे नोड की जरूरत है तो टी की जगह मैंने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये रिजल्ट मुझे कुछ इस तरीके से ही दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या किया, मेरे को चाहिए टी नॉट अपॉन टी, पहले देख लेते हैं टी वाला और प्रेशर वाला, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कंबाइन करते हैं पहले, ऊपर ही कर लेंगे इसको रफ करके, ठीक पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू टी अपॉन टी नॉट, यहाँ पे गामा अपॉन गामा माइनस वन, बट यहाँ पे तो मेरे पास टी नोड अपॉन टी है, यहाँ पे टी अपॉन टी नोड है, तो इसको अपोजिट कर दो, ये ऊपर चला जाए ये नीचे, ठीक है, ये ऊपर चला जाए ये नीचे, दोनों को कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास गामा माइनस अपॉन सॉरी गामा सॉरी रुको 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 बेटा, ये चीज गामा अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है, बदल दिए आपस में ऊपर नीचे, एज इट इज ही तो रहेगा, ठीक है, ऊपर नीचे बदल दे, दोनों साइड चीजें की गई हैं, तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया, मुझे चाहिए टी नॉट अपॉन टी। तो जब ये चीज चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो गामा अपॉन में इधर गामा माइनस वन दोनों साइड कर दो, कर दिया, पावर लगाते हैं ना जैसे, पावर लगा दी, ठीक है, फिर इससे ये वाला कैंसिल हो गया। इसके बाद जब ये काम फिनिश हो गया मेरे पास, यहाँ से ये हट गया, उसके बाद मुझे ये गामा भी हटाना है, तो यहाँ पे वन बाय गामा कर
कर दो तो इससे ये कैंसिल होगी, तो मेरे पास ये भी हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टी नॉट अपॉन टी की वैल्यू आ गई पी नॉट अपॉन पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। तो कैसे आई समझ आ गया बेटा? ठीक है, यस मैम, अब मेरे पास नेक्स्ट रिजल्ट जो रहेगा वो रहता है टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे टी नॉट, टेम्परेचर और ये, तो सेम प्रोसेस इसके लिए करना है मुझे। इसमें भी क्या करना है, रो अपॉन रो नॉट की पावर गामा है यहाँ पर, और टी अपॉन टी नॉट की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन है। अब देखो दोनों साइड गामा गामा है, तो इसको हम सिंपल सा कैंसिल कर सकते हैं। मतलब जैसे स्क्वेयर वो होता है ना, स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर रूट ले लो, तो गामा वन बाय गामा इस तरीके से लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से सिर्फ वन बचेगा और यहाँ से बचेगा इसकी पावर वन अपॉन गामा माइनस वन। अब इसकी पावर में से ये हटाना है तो मैं क्या करूँगी, इधर गामा माइनस वन, इधर गामा माइनस वन, इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अभी देखो, अभी सिर्फ मैंने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ से ये हट गया, ये आ गया। अब मुझे तो चाहिए टी नॉट अपॉन टी, तो ये तो मेरा अलग आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, टी नॉट अपॉन टी अपोजिट कर देंगे, रो नॉट अपॉन रो, ठीक है, की पावर गामा माइनस वन, यही चीज हमें लाना था। पता क्या, देखो जो अलट पलट मतलब ऊपर नीचे करते हैं तो सिंपल सी चीज है, दोनों साइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी किया इधर भी किया तो पावर सेम रहती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज दोनों इस रिजल्ट से हमारे पास जो ये वाला रिजल्ट था इससे दोनों ये चीज निकल के आ गई। यहाँ तक का तो काम हमने अपने कंसेप्ट से किया, फिर जो आइसेंट्रोपिक फ्लो की प्रॉपर्टी है एक बार इसके साथ ली और एक बार इसके साथ ली, तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। तो जैसे ये तीनों इक्वल है तो यहाँ से ये तीनों भी इक्वल है, वही चीज है। ठीक है, सिर्फ इनको इसके अकॉर्डिंग रीअरेंज किया है। इतना क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। अब आगे देखो बेटा, इसके बाद सिंपल सा सिर्फ कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं किया गया। अब देखो टी नॉट अपॉन टी, एक तो ये वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे टी नॉट अपॉन टी की वैल्यू रख दी ये पूरी की पूरी। इसमें क्या किया, एक बार अब जब इसको एक साथ लेंगे फिर एक बार इसको साथ लेंगे, दिस एंड दिस, तो हमारे पास टी नॉट अपॉन टी की पूरी वैल्यू, ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। ओके क्लियर बेटा? अब ये इधर है, देखो इसकी पावर है गामा माइनस वन अपॉन गामा, तो जब ये इधर जाएगी तो ये गामा ऊपर हो जाएगा, गामा नीचे, गामा माइनस वन, वही जो सेम प्रोसेस होता है। एक मिनट, यस मैम, यस मैम, समझ आता है ना बेटा, इतना तो कर लोगे आप? यस यस मैम, मैम, तो वो चीज यहाँ पे की गई है। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें। अब ये जब हम इसको इसके साथ लेंगे तो ये टी नॉट की वैल्यू, ये टी नॉट अपॉन टी की वैल्यू एज इट इज यहाँ से, और ये इसकी जो पावर है ये अपॉन में चला जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ से हमने इनकी वैल्यू निकाल ली दोनों की, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी। ओके, अब क्या क्या गया, अब तक तो हमने निकाला टी नॉट अपॉन टी, अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा और हमें बोल दिया कि ये चीज और निकालो, तो यहाँ पे इन्होंने निकाल लिया टी अपॉन टी नॉट। अब ये कैसे निकाला वो चीज देखो, सेम पहले वाले प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमने ये वाली इक्वेशन की थी। देखो यहाँ पे डिवाइड किया था ना हमने, इस वाली कहाँ गया, इसको डिवाइड किया था ना सीपी टी से, अब क्या करेंगे सीपी टी नोड से डिवाइड कर देंगे, सिर्फ इतना काम करना है इस वाले टर्म के लिए, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चीज निकल के आ जाएगी। यहाँ पे था सीपी, यहाँ पे भी सीपी, और यहाँ पे सीपी टी नोड था, और यहाँ पे भी सीपी टी नोड था, तो इससे कैंसिल होके तो ये वन बन गया, यहाँ से ये कैंसिल होके मेरे पास ये आ गया। तो मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये जो है इधर जाके माइनस में आ जाएगा। ओके, जब ये माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, फिर सेम वही चीज सीपी टी नॉट की वैल्यू रखो, वो क्या होती है हमारे पास,
गामा पी नॉट अपॉन रो नॉट गामा माइनस वन, जो कि हमने यहाँ पे माना हुआ था ये वाला क्वेश्चन। ये तो सिंपल के लिए है, स्टैग्नेशन के लिए करेंगे तो यहाँ पे पी नॉट हो जाएगा, तो वो चीज यहाँ पे लिख दी। सेम वही कंसेप्ट है। अब तक हमारे पास टी मोनी बेटा आपका माइकोन है, ठीक है बेटा, जो अब तक हमने टी नोड अपॉन टी में किया था सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करने वाले हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, वो चीज मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सारी कैलकुलेशन की, जैसे अब तक करते आए हम। कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पे पहुंच गए, जो कि हमारे पास यहाँ पे निकल के आया है ये वाली टर्म यहाँ तक। अब यहाँ पे इससे ये कैसे आया, मतलब ये तो मेरे पास स्टैग्नेशन से रिलेटेड है, ये यहाँ पे क्रिटिकल वाला कैसे आ गया? तो क्रिटिकल के लिए देखो क्या किया, यहाँ पे जब हम शुरू में स्टार्ट किया था हमने टॉपिक, तो ये वाला, ये देखो ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना, तो यहां से लेके आए हैं, इसकी जगह हम ये निकालेंगे, तो ये काम इन्होंने वहां से किया है। दिस इक्वल टू दिस, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ये, तो इसमें इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है इसकी जगह, ठीक है, और टू से टू कैंसिल हो गया, तो जो रिमेनिंग बचा मेरे पास वो ये निकल के आया, और वही चीज मेरे पास यहाँ पे है। क्लियर हो गया बेटा, कहाँ से क्या टर्म्स यूज करके निकाला इन्होंने, सभी को क्लियर है? किसी को यस मैम नहीं है अभी पूछ लो बेटा। फिजा, नीतू, यस मैम अब देखो यहाँ तक की ये चीज तो निकल गई, सेम वही प्रोसेस ये अब यहाँ पे इन्होंने किया जो अब तक हमने किया था, दिस ये वाला प्रोसेस जो यहाँ पे ये वाला किया है ना, सेम वही इन्होंने काम यहाँ पे किया, ठीक है, तो इन्होंने भी वही चीज सेम प्रोसेस करके जो हम यहाँ पे पी, देखो यहाँ पे क्या था, पी नोड अपॉन पी था, अब यहाँ पे पी अपॉन पी नोड हो जाएगा, सेम इन्होंने कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे टी नोड अपॉन टी था तो पी नोड अपॉन पी आ गया, यहाँ पे टी अपॉन टी नोड है तो पी अपॉन पी नोड आ जाएगा, ठीक है, और सेम वही काम रहेगा, ये वाली वैल्यू निकल के आई है ना यहाँ पे, ये एज इट इज, ठीक है, इसकी जगह देखो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेरा यहाँ से यही तो निकल के आया था, टी अपॉन टी नॉट अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, पी अपॉन पी नॉट, मतलब अपोजिट ही तो कर दिया, दोनों साइड से चेंज किया, ये आ गया मेरे पास, ओके इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से टी अपॉन टी नॉट की वैल्यू है ये, तो मैंने ये वैल्यू रख दी इसकी जगह, अब यहाँ पे गामा माइनस वन अपॉन गामा है, तो जब ये इधर जाएगी वापिस तो ये गामा ऊपर आ जाएगा और गामा माइनस वन नीचे आ जाएगा, तो वही काम यहाँ पे किया हुआ है। फिर एक बार टी नोड की जगह ये वैल्यू रखी, टी अपॉन टी नोड की जगह ये वैल्यू रखी, सेम वही काम, बात समझ आ गई बेटा? हाँ, यस मैम और सेम वही फिर रो नोड, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, टी अपॉन टी नोड और यहाँ पे रो अपॉन रो नोड की पावर गामा माइनस वन, फिर टी नॉट की वैल्यू मेरे पास एक बार ये रखी और ये इधर गामा माइनस वन इसके पावर में जब इधर जाएगा वन अपॉन गामा माइनस वन हो जाएगा, फिर टी नॉट की ये वाली वैल्यू रखी, सेम वही केस आ गया, ठीक है, एक बार टी अपॉन टी नॉट की वैल्यू ये रखी, एक बार ये रखी, एक बार ये रखी, एक बार ये रखी, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो यहाँ पे आएंगी पावर, इस केस में गामा अपॉन गामा माइनस वन हो जाएगा, इस अपॉन इस केस में वन अपॉन गामा माइनस वन, ये चीजें सिर्फ सॉल्व की है, ठीक है बेटा। देखो बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गया है, आगे सिर्फ थोड़ा सा काम किया गया है, वो क्या काम किया है वो चीज मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, एट सोनिक को क्रिटिकल स्पीड, मतलब सोनिक पे क्रिटिकल स्पीड पे है, क्योंकि जो हमारे पास जो मैंने पहले बताया था क्रिटिकल जो हम वहाँ पे ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, क्यू इक्वल टू ए, तो वहाँ पे एम की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वन, तो वन कहाँ पे होता है सोनिक, और ये चीज़ हम क्रिटिकल स्पीड के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्यू इक्वल टू ए एंड एम की वैल्यू जब वन आएगी तो वो क्या होता है मेरे पास सोनिक, ठीक है, ये लाइन
समझ आई किस तरीके से? तो क्रिटिकल पे मेरे पास जो पी है वो पी स्टार हो जाएगा, रो जो है रो स्टार, टी जो है टी स्टार, इतना क्लियर हो गया। तो जो हमारे पास पीछे हमने रिजल्ट निकाले हैं वहाँ पे पी की जगह पी स्टार पुट करना है, रो की जगह रो स्टार और टी की जगह टी स्टार, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। अब ये चीज़ मैं बता देती हूँ कैसे निकल के आएगी, ठीक है बेटा? देखो यहाँ पे हम मैंने वही चीज लिखी हुई है क्रिटिकल के लिए। अब देखो क्रिटिकल की बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एम की वैल्यू 1 है तो क्यू इक्वल टू ए, वही चीज है मैंने जो अभी आपको बोली है सोनिक के लिए, ठीक है? और ये हम क्रिटिकल के लिए लेके चल रहे हैं। तो क्रिटिकल के टाइम पे हम ए को क्या लेके चलते हैं, ए स्टार। तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू ए स्टार के। तो जहाँ जहाँ क्यू की लिखा हुआ है वहाँ पे उसकी वैल्यू ए स्टार हम पुट कर देंगे। तो अगर हम बात करें इस वाले में, सबसे पहले पी अपॉन पी नोट के लिए करते हैं, तो पी की जगह क्या आएगा, पी स्टार पी नोड। और हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल वाले के लिए तो हम ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ये इस टेक्नीशियन के लिए, ये हमारे पास क्रिटिकल के लिए, तो हम ये वाला पोर्शन लेंगे, ठीक है? तो 1 माइनस के दिस एज इट इज, जहाँ पर क्यू है उसकी जगह ए स्टार रख दिया और सब चीज़ें एज इट इज, इसे ही कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू सिर्फ इतनी आएगी, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास रिमेनिंग ये बचेगा। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, तो गामा प्लस 1 माइनस, माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2 अपॉन गामा प्लस 1 और पावर एज इट इज। तो आप चेक कर सकते हो जो मेरे पास पी स्टार अपॉन पी नोड की वैल्यू है वो क्या है, मेरे पास 2 अपॉन गामा प्लस 1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, 2 अपॉन गामा प्लस 1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, इतना क्लियर हो गया। फिर सेम काम हमें करना है इसमें, तो रो की जगह रो स्टार और यहाँ पे क्यू की जगह क्यू ए स्टार पुट करूँगी मैं, यहाँ पे इसकी जगह मैं ए स्टार पुट करूँगी, तो ए स्टार से ए स्टार कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग सिर्फ यही बचेगा। फिर इसकी वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करो, 2 अपॉन गामा प्लस 1 आ जाएगी, यहाँ पे इसकी पावर आएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1, तो 1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है? फिर यही चीज़ हम टेम्परेचर के साथ करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे है, तो टी अपॉन टी टी नोट, तो यहाँ पर टी की जगह टी स्टार 1 माइनस ये वाला पोर्शन जो हमारे पास क्रिटिकल के लिए है, ठीक है? तो यहाँ पे क्यू की जगह ए स्टार पुट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ए स्टार पुट करती हूँ तो इससे ये कैंसिल 1 आ जाएगा, 1 ये बचेगा मेरे पास, इसको सेम वही प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन गामा प्लस 1, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो सिंपल सा यहाँ पे पोर्शन था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी हमें क्रिटिकल वाली चीज़ के लिए, देन हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। आपको ये टॉपिक यहीं तक करना है, ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इसका क्या ओवरव्यू है, किस तरीके से है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।